Westchild University College in London, Ontario, Canada. There is a Catholic liberal arts college called Westchild University College. Westchild is the only university level women's college in Canada and associated with the University of Western Ontario. It was started back in 1919. College of Westchild, 351 to 400 ranking of the World University rank 2023 and 401 to 600 in 2022. Impact ranking 68th place in 2022, Young University ranking number 35 out of 132, Regional College South in Westchild University. According to the QS University World Ranking 2023, it is ranked 801 to 1000. Admission to Westchild University, acceptance rate is around 54%. नजर डालते हैं इसके अंडर ग्रेजुएट की इनकी रिक्वायरमेंट पे. इंटरमीडिएट स्टूडेंट HSC SSC वाला FSC वाला स्टूडेंट इज एलिजिबल. ओवरऑल 80% फाइनल आपके पास एवरेज होना बहुत जरूरी है. यूनिट 12 ईयर्स एकेडमिक. अगर इंटरनेशनल बार्कलेट IB की अगर बात करूँ तो 29 आपके पास मिनिमम स्कोर होना चाहिए इन सब सिक्स सब्जेक्ट्स जिसमें 3 HL और 3 SL भी होंगे. ए लेवल्स की अगर बात करूँ तो AA, B या AB मिनिमम होना बहुत जरूरी है. पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करें तो 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री BSc आपका होना बहुत जरूरी है विथ अंडर ग्रेजुएट GPA 78% इन एटलीस्ट या लास्ट फुल कोर्सेज के अंदर आपके पास 78% होना बहुत जरूरी है टू गेट द एडमिशन एट दिस यूनिवर्सिटी. इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो IELTS मिनिमम आपके पास बैंड 6.5 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच होना बहुत जरूरी है. TOEFL की अगर बात करूँ तो अ मिनिमम स्कोर ऑफ 83 विद नो लेस देन 20 इन ईच कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है. PT अकेडमिक की बात करें तो ओवरऑल 58 विद नो लेस देन 56 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है. बात करते हैं इसकी ट्यूशन फीसिस की. जो भी ऑल अंडर ग्रेजुएट्स के जो प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट्स के जो प्रोग्राम्स हैं दे ऑल वर ऑफर्ड इन 36,208 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम के ऊपर. यू कैन चूज एनी डिजायर प्रोग्राम यू लाइक टू एट दिस यूनिवर्सिटी. अगर इसकी डेट्स एंड डेडलाइंस की अगर मैं बात करूँ एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन इसकी जो डेडलाइंस हैं जो एक्सेप्टेंस की जो डेडलाइन है वो है June 1st. जो एडमिशन एक्सेप्टेंस की जो डेडलाइन है तो वो June 1st, 2023 है. डेडलाइन टू अप्लाई वो June 8th से पहले जो है आपको रेसिडेंस के लिए जो है वो आपको अप्लाई कर देना है. समर अगर ओरिएंटेशन डे की अगर बात करूँ तो इसकी जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है वो जून में आपकी होती है. जून की रजिस्ट्रेशन होती है और अगस्त में भी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है. लिविंग कॉस्ट की अगर बात करूँ तो सिंगल रूम 5020 से लेकर 5520 कैनेडियन डॉलर्स के इन बिटवीन है. एक्टिविटी फी की अगर बात करूँ 125 कैनेडियन डॉलर है. सॉरी ये आपकी समझेंगे 125 कैनेडियन डॉलर. बुक एंड सप्लाईज की जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो 500 से लेकर 750 कैनेडियन डॉलर होती है. और मील कॉस्ट जो है वो 4700 कैनेडियन डॉलर पर ट्रम आपको पड़ रही होती है. एप्लीकेशन डेडलाइन की अगर बात करें तो इसकी जो ब्रस्का यूनिवर्सिटी की जो है जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 25 कैनेडियन डॉलर्स हैं. स्कॉलरशिप पर अगर नज़र डालें तो दे डू ऑफर इंटरनेशनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप. ये नंबर ऑफ अवार्ड अनलिमिटेड होते हैं एज यू कैन ऑन माई स्क्रीन. इसका जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आपके पास 90% प्लस होना बहुत ज़रूरी है टू अवेल दिस स्कॉलरशिप. जो वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो 24,000 कैनेडियन डॉलर्स का है जिसमें 6,000 डॉलर पर ईयर पे आपको मिल जाएगा. 90-94% है तो 20,000 आपको मिलता है जिसमें 5,000 ईच ईयर होगा. और 80-84% है तो आपको 12,000 का मिलता है जिसमें 3,000 पर ईयर. तो ये इंटायर डिग्री पर होता है. और ये ऑटोमेटिक रिवॉर्ड प्रोग्राम है जो ईयर वन से स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के अंदर स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो जाए. इसकी तमाम डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com उस पर आपको मिल जाएगी या बाकी आप इन्फॉर्मेशन मेरी ऑलरेडी जो है इस स्क्रीन पे देख रहे हैं. सेकेंड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करती है दिस इज कॉल्ड ग्लोबल लीडर अवार्ड एप्लीकेशन. इसका जो पर्पज़ है वो ग्लोबल लीवर अवार्ड लीगल आप तो रही ग्लोबल लीडर अवार्ड है जो कि ग्रांट होता है स्टूडेंट को पेइंग द इंटरनेशनल ट्यूशन फी और डेमोस्ट्रेट करना होता है अपनी एकेडमिक एंड लीडरशिप अचीवमेंट के बारे में. इस अवार्ड की तमाम तर डिटेल्स मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी. और इस अवार्ड का जो वैल्यू है वो 6,000 कैनेडियन डॉलर्स का है जो कि आपकी ट्यूशन फी की मद में आपको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है. इसकी तमाम तर डिटेल्स इसका क्राइटेरिया मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे हाउ द स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप उसका क्या क्राइटेरिया. या मेरी वेबसाइट पर अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ भी आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ऑल द इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल. थर्ड जो अवार्ड ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड.
पर्पस क्या है ब्रशिया यूनिवर्सिटी कॉलेज का, ये रिकगनाइज करती है, कंट्रीब्यूट करती है स्टूडेंट्स को जो स्कूल एंड कम्युनिटीज के लिए को सपोर्ट करने के लिए होता है, और ये तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पे ब्रशिया यूनिवर्सिटी के अंदर हैं वो दोज ऑल आर एलिजिबल टू अवेल दिस स्कॉलरशिप एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। इसके अवार्ड की तमाम तर डिटेल्स मैंने मैंशन की हुई है। इस अवार्ड का जो वैल्यू है वो अप टू 5,000 कैनेडियन डॉलर्स का है, जो कि अकेडमिक ट्यूशन फी 2023-2024 के स्टूडेंट्स के लिए जो आपको कंट्रीब्यूट करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने मेंशन किया हुआ है, मेरी वेबसाइट पे आप जाएं studyabroadupdates.com, उस पर मैंने इस पर मेंशन किया है कि जी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप। और इस अवार्ड की जो डेडलाइन है वो आपको मई 1 से पहले आप ये जो है ना इसको आपको रिसीव करना होता है।